नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं यीशुपुर ग्राम सभा में और ये है आगे का रोड और यहाँ पे देख लीजिए कि मिले हैं कलंदर भैया और ये मैजिक टाटा मैजिक कौन सा सीसी इसमें आएगी बस टाटा मैजिक गोल्ड है। टाटा मैजिक गोल्ड है तो ये कुछ बताएंगे टाटा मैजिक के बारे में, इसका एवरेज माइलेज कितना है और कितने का पड़ा है और कौन सा मॉडल है। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। भाई नाम है सुरेंद्र कुमार, ग्राम सभा यीशुपुर यहीं के रहने वाले हैं हम और टाटा मैजिक गोल्ड है। आवाज़ थोड़ा बढ़ा दीजिए, नहीं सुनाई नहीं देगा ऑडियंस। और इसका बताया गया था ब्रेज 24-25 का, दे रही है 10-12 का, पेट्रोल है। इसकी कीमत है लमसम 4.5 लाख, ऑन रोड प्राइस 4.5 लाख है। उस पर अलग अलग सब क्या बोलते हैं, अगर किस्त पे लेंगे तो बढ़ जाएगा फिर, मतलब और है, लेकिन इसका मतलब शोरूम प्राइस 4.5 लाख है। और क्या जानना चाहते हैं इसका माइलेज कितना बता रहे थे? 10-12। और वो कम वहाँ पे एजेंसी में कितना बताया गया था? 24 बताया थे लेकिन 24 देती नहीं है। नहीं, 10-12 डीजल बढ़ के 18 के एवरेज देती है। डीजल 16-18 के एवरेज देती है। अच्छा, इसमें डीजल भी आता है? हाँ, इसमें डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है। अच्छा, आपका पेट्रोल है। और कौन सा मॉडल है? 2023 मॉडल है। तो अगर कोई मान लीजिए हमारा ऑडियंस अगर टाटा मैजिक लेना चाहेगा तो आप उसके लिए क्या? हम यही कहेंगे कि लेना है तो डीजल लीजिए, डीजल पेट्रोल में कोई अथवा नहीं है। पेट्रोल में कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है, जितना का बारह उतना का तेल लगेगा, कोई मतलब नहीं है। 12 का एवरेज बहुत कम नहीं लग रहा है? 12 का तो यही तो बताए थे कि आपको ये बताया गया था 24 का एवरेज देखिए। हम भी सोचे कि यार पेट्रोल है डीजल से तो अच्छा खासा एवरेज देंगे, लेकिन लेने के बाद समझ में आया ना। तो 12-13 इससे ज़्यादा नहीं? 10-12 साल तक गए नहीं है। तो फिर और वैसे इसमें जैसे लोडिंग पे कुछ कम होता है कि वही रेट वही रहता है? लोडिंग अगर लोडिंग है और मतलब रास्ता क्लीन है तो वही 10 का देगी, और खाली रहेगी तो 12 की, मतलब वही 2 का अंतर है बस। ये है टाटा मैजिक 2023 लास्ट मॉडल और सलेंदर भैया लिए हैं और टाटा के बारे में बता दिए हैं। इसका माइलेज बताते हैं लोग 22-23-24 और देती है 12 10-12 बताइए इतना कम कैसे हो सकता है? बिल्कुल बात किए एजेंसी में तो बोले सब कि भैया आप कंपनी से बात कीजिए, तो हम अपने ब्रोकर को बुलाए, ब्रोकर बोला कि नहीं भैया जो दे रही है परेशान ना होइए, सर्विसिंग कराएंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा, सर्विसिंग कराएं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका, मतलब बताएं लोग गलत, पूरा गलत, आधा दे रही है बिल्कुल। इससे अच्छा तो सफारी स्कॉर्पियो ये सब देते हैं पूरा फूल आने से भी। इसी तो का अच्छा। वो है टाटा वो क्या बोलते हैं पिकअप। अच्छा, पिकअप अच्छा देता होगा इससे इतना ही एवरेज वो भी देती है। तो उसका तो इंजन तो हैवी है ना? हैवी उसका भैया, बहुत हैवी इंजन है। अच्छा सलेंद्र भाई, एक और बात बता दीजिए, अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो किस पर्पज से ले तो अच्छा है? कुछ आज की डेट में अगर अपना कोई बिजनेस है, अपना काम है, तभी अच्छा है। भाड़े के लिए लेना हो तो ना लीजिए भाई। अच्छा, बड़ी कॉम्पिटिशन जो टोटो आ गया है ना, सारे अच्छा टोटो तो पूरा मार दिया है ना, बिल्कुल सभी लोग का भाड़ा खत्म। तो अगर लेना है तो पर्सनल बिजनेस के लिए, मतलब पर्सनल बिजनेस में मतलब क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत? अरे इससे अपना कोई मतलब अगर गल्लने का काम चल रहा हो या कोई मतलब अपना गोदाम वोदाम हो, खाद उद का हो या बकरी पालन, कोई भी मतलब उद्योग खुद का अपना उद्योग छोटा सा कोई भी, इससे अपना माल लेना हो ले जाना हो अपने उपलक्ष्य में, जहाँ जैसे मन करो वहाँ खड़ा कर दो, अपना काम करो। भाड़े के लिए सही नहीं? भाड़े के लिए नहीं सही, कोई कमाई नहीं है भाड़े। अगर भाड़े के लिए लेंगे तो उसका किस्त नहीं भर पाएंगे तो कन्फर्म है। तो बताइए किस्त तक नहीं भर पाएंगे तो लेने से क्या फ़ायदा बताइए? तो यह टाटा मैजिक, इसमें कोई होता होगा ना सीसी या कुछ ऐसे? बस टाटा मैजिक गोल्ड। हाँ, इसका कितना सीसी? सी एक्स है ना, ठीक है। तो और कुछ बोलेंगे कि बस यहीं पर हैं? ठीक है दोस्तों, कोई कुछ कहने लायक नहीं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।